मुस्तकीम डिग्निटी आवाम की सेहत से खेलना बंद करो, आवाम की सेहत से खेलना बंद करो, आवाम की सेहत से खेलना बंद करो। साफ पानी दो भाई, साफ पानी दो, गंदा पानी नहीं चलेगा। अभी बाकी भाई तुम्हारे पास आए, दो दिन से मामला चल रहा है, चार चार दिन से पानी नहीं आ रहा वहाँ पे, लोग बीमार हो गए। ये आए ना इमरान, और यहाँ पुलिस का हाल ऐसा है कि हमने चलना भी ना, अगर पुलिस से पूछ के चलना, ये रोड पे चलना कि नहीं चलना, ये तो गांव की हालत है। आने लगे समाधान, घर पे आ रहा है पानी, पानी अच्छा आने लगेगा, हो गया समाधान। हमने चलना भी तो पुलिस से पूछ के चलना, क्या रूल है? नहीं पूछ रहा मैं, वो भी बता दो। अरे इतनी मामूली मामूली बात तो तुम इतना काहे ना बता रहे भैया। चलो अंदर बात करेंगे। तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला है कि टाइम पे हम पानी दे ही नहीं पाते, महानगरपालिका पानी देती ही नहीं, हर वक्त 10 घंटा 12 घंटा लेट ही पानी आ रहा है। उसके बाद अभी इतनी बड़ी संख्या में पानी गंदा आ रहा, सिंपल ला के दे रहे हैं, तो ये महानगर पालिका को नहीं समझ रखा, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट को नहीं समझ रखा है कि यार इतनी बड़ी संख्या में, जब अगर एक हिस्से में पानी गंदा आया, हमने आके बोले उतनी बार सुनते, मगर उसका मतलब परमानेंट कोई हल नहीं निकलता। अभी आगे बढ़ोगे वो हिस्से में पूरा पानी गंदा आया, अब एक बार गंदा पानी आ गया, किसी ने पानी नहीं, तो इन्हें पानी नहीं है वहाँ, यानी उनको 6 दिन होने पर आया, क्योंकि 2 दिन बाद जो नल आया ना, वो गंदा तो भर ही नहीं पाया उन्होंने पानी, पानी 5-5 6-6 दिन हो जा रहा, पानी नहीं आ रहा। अब ऐसा है कि गंदा पानी आ रहा, तो अपन दोबारा भी उनको साफ पानी दे नहीं दे, तो इसका क्या तुम्हारे पास हल है वो बताओ। नहीं ये मुस्तकीम के हॉल में भी लेने की कंप्लेन है कि भाई ज्यादा पानी तुम ये चकीदर से क्यों नहीं लेना, तलवार डैम से क्यों नहीं लेते, ज्यादा पानी पहले तो हम पूरा वहीं से लेते थे ना, कुदरती आदमी कौन भी जाएगी जो इतना बिजली बिल ज्यादा ना, पंपिंग करने का पैसा भी लगेगा, इधर से कुदरती राज अपने को आने, इंफ्रास्ट्रक्चर भी रेडी है उसका, कोई नया काम भी नहीं है, 100 करोड़ रुपया तुम्हारा वाटर सप्लाई का पैसा आया है, वो भी सुझाव तो वो पानी करने के लिए 4-4 बार पंपिंग वाले को बोलो या कुछ करो तो कोई आता नहीं, मस्जिद के सामने भी है ये बोल रहे ना कि गंदा पानी नहीं आता, ये बोल रहे ना कि अब गंदा पानी नहीं आता, गंदा पानी आता था अभी जो अपने दूसरी तरफ आ गया, पूछ रहा तुम ये बोल रहे ना कि गंदा पानी का मामला सॉल्व हो गया, अभी आज कोई गंदा पानी नहीं आया, बराबर बात है ना, फोन लगा रहे जय साहब को, ये जो हुआ ना ये पूरे शहर में हो गया, अब उसमें 5-5 6 दिन नल के लोगों को आया ना, और कई होंगे ना शिकायत, आज ही नहीं ठीक है ना, सलीम को बता नहीं बता, सलीम पाटिल ने बारी कोई 3-4 दिन में बताए ना, ये बड़ा काम का बड़ा लीजिए, और वक्त का पानी भी नहीं आता, सलीम भाई आधे घंटे में पानी आता है और आधे घंटे में पानी पहुंचता ही नहीं है, हमको गाड़ी करे Thank you.
एहतजाजी मुलाकात मालेगांव महानगर पालिका आयुक्त साहब से की। आयुक्त साहब के नहीं रहने की वजह से हमें तो ऐसा लगा था कि आप प्रशासक हो गए हैं तो हर हाल में मिलेंगे, मगर प्रशासक होने के बाद भी आयुक्त साहब नहीं मिले तो एडिशनल आयुक्त साहब से बातचीत हुई। मालेगांव शहर में पिछले 4-5 दिन से मुसलसल गंदा पानी एक बड़े हिस्से में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कई जगह हर वक्त पानी आते रहता है, मगर इस मरतबा बड़े हिस्से में आया और कॉरपोरेशन ने उसमें कितना अच्छा काम की ये आज से हमको समझेगा। उनका बोलना है कि पानी की वजह से गिरना पंपिंग स्टेशन पर पानी ज़्यादा बारिश का आने की वजह से गंदा पानी सप्लाई हो गया, मगर बातचीत में वही बात हर वक्त होती है कि जो गिरना डैम से 70-80% पानी ये उठाते हैं और तलवाड़ा से 20-30% पानी उठाते हैं, यही वजह हर वक्त बनती है जो गंदे पानी का सबब हो या फिर वक्त पे नल नहीं आने का सवाल। हम इनको हमेशा ये बोले हैं कि तुम कोशिश ये करो कि तलवाड़ा से ज़्यादा पानी उठाने की या कम से कम आधा पानी तलवाड़ा से उठाने का, तो ये रेशो बरकरार रहेगा, वक्त पे पानी आने का मामला भी रहेगा और कॉरपोरेशन की बचत भी होगी। मगर ये बात कॉरपोरेशन को हमारी क्यों नहीं समझ में आती ये हमको भी अब समझ में नहीं आता है, लेकिन अभी उन्होंने ये कहा है कि पानी सप्लाई जो गंदा हुआ है वो हमने दुरुस्त कर लिया है, आगे पानी सप्लाई गंदा नहीं होगा और दहिवाड़ सब स्टेशन से जो पानी आ रहा नहीं, जो वो दहिवाड़ सब स्टेशन से जो पावर सप्लाई है उसके निज़ाम में भी हमने अब दुरुस्ती कर ली है और लिख कर भी दिया है कि अब जो मसला पावर सप्लाई की वजह से होता था वो अब मसला नहीं रहेगा, जिसकी वजह से अब वक्त पे पानी आएगा। मगर मुझे अभी भी नहीं लगता कि वक्त पे पानी आने का मसला ये हल कर पाएंगे, जब तक तलवाड़ा से 50% पानी ये उठाते नहीं उस वक्त तक ये मसला वक्त पे पानी आने का होगा ही नहीं। हाँ, इस पूरे मामले में एक बात जो मैंने आज महसूस की कि हमने कोई निवेदन नहीं दिया, हमने कोई इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी, शनिचर के दिन ऑफिस पर आकर कुछ लोगों ने पानी के सैंपल दिया और हमने ऐलान किया कि सोमवार को हमको जाना है, मगर एक काम में कॉरपोरेशन फॉरवर्ड दी कि बगैर निवेदन के हमारा जवाब यहाँ रेडी था, इतना एक काम इनका हमको लगा कि यार चलो, और पुलिस वाले भी रेडी थे। मालेगांव शहर में बाकी लोगों का तो नहीं मालूम, मगर जनता दल के वर्करों का ऐसा हो गया है कि पुलिस से पूछ के हमको शायद अब रोड पे भी जाना पड़े, पुलिस से पूछ के हमको किस तरफ जाना है जाना पड़े, कि कोई भी मामूली एहतजाज भी करने के वक्त पुलिस इतनी बड़ी तादाद में आ जाती, PI साहब आ जाते, एडिशनल साहब के फ़ोन चालू हो जाते कि अब हमको समझ में नहीं आता है कि यार हम लोगों की बुनियादी ज़रूरत पर भी अगर कोई बात करना चाहते हैं तो पुलिस उसमें भी रोकने की कोशिश करती है, ये किस तरह का पुलिस का काम काज है इस पर भी एक सवाल है। बाकी अगर इसके बाद नल में गंदा पानी आया तो हम इससे बड़ा एहतजाज करने की तरफ जाएंगे।